जहां पे आज किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई और कृषि कानून के विरोध में ये किसानों का प्रदर्शन लगातार पिछले काफी टाइम से चल रहा है। वहीं बुलंदशहर में भी आज धरने पर कुछ किसान बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं। SDM को फिलहाल मुख्यमंत्री के नाम किसानों की तरफ से ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। बुलंदशहर से एक और खबर, यहाँ पर किसान धरने पर बैठ गए। कृषि कानून और बढ़ती महंगाई को लेकर यहाँ पे किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। पिछले कुछ वक्त से ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में चला, लेकिन बुलंदशहर से इस समय की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं महंगाई को लेकर और कृषि कानून बिल को वापस लेकर ये धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। इनकी मांगे हैं जिसको लेकर इन्होंने SDM को ज्ञापन भी सौंपा है मुख्यमंत्री के लिए। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे थे। फिलहाल जानकारी के लिए अनिल मेड़ा हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनिल, क्या है पूरा मामला, जिस तरीके से धरना लगातार ये किसानों का चल जा रहा है, आज कितनी संख्या में वहां पे धरने पे किसान बैठे हैं, क्या मांगे हैं इनकी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनरल बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील का मामला है, जहां किसान भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो वहां काफी सैकड़ों की तादाद में किसान वहां बैठे हैं और उनकी जो मांग है, उनकी सिर्फ मांग यही है कि तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए। लगातार जो रसोई के गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार उसको लेकर उनकी मांग है, और जो पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं उनको लेकर भी किसानों का धरना प्रदर्शन है। और यहाँ तक की मैं आपको बता दूं कि किसानों का यह भी कहना है कि जिस तरह से गन्ने का भुगतान भी नहीं हुआ है उसको लेकर भी किसानों अपनी मांग पर डटे हुए हैं, और किसानों ने जो खुदे SDM है उनके लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। और किसानों का यहां तक भी कहना है कि जिस तरह से अगर सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, लगातार 96 दिन से जिस तरह से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं, उसको लेकर भी किसान जो सरकार अपनी मनमानी कर रही है और किसानों की मांग को नहीं मान रही है, उसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश की भावना जाग रही है। और लगातार किसानों का कहना है कि अगर सरकार नहीं मांगी तो और प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से किसानों ने जो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है उसको लेकर सरकार की जो किसानों की मांग को मानती है या नहीं मानती, जो किसानों का गन्ना का भुगतान है पिछले वर्ष का उसको कितने जल्दी समय में पूरा दे कर पाती है। तो लगातार जिस तरह महंगाई को लेकर किसानों का और जो रसोई के गैस लगातार दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जनता का शोषण किया जा रहा है उसको लेकर किसान लगातार धरने पर हैं। लेकिन अगर एक हम यहाँ बात सबसे बड़ी बात यह होगी, जो 4 तारीख को मैं आपको बताऊँ, बुलंदशहर में 4 तारीख को खंगीरापात में भी महापंचायत होने वाली है, किसानों की जो जैन चौधरी के नेतृत्व में होगी, उसको लेकर भी जनपद बुलंदशहर में किसान लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अधिक से अधिक पहुंचने की अपील भी कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि लगातार जिस तरह से लगातार रोज किसान धरना दे रहे हैं उसको लेकर सरकार किस तरह से व्यक्त पर आती है नहीं आती, किसानों की बात मानती है नहीं मानती, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अनिल, जिस तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है किसानों की तरफ से, क्या लगता है किसी जिम्मेदार से आपकी बात हुई है, किसके नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है? आने वाले वक्त में सुना जा रहा है कि अपना प्रदर्शन लगातार बढ़ाने जा रहे हैं, अगर इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो किस स्तर पर ये अपने प्रदर्शन को लेके जाएंगे? इसको लेकर वहाँ पर जो आज जिम्मेदार है प्रदर्शन में, जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या उनसे आपकी कुछ खास बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हम जो भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय महाशक्ति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, उनसे हमारी बातें हुई हैं, उनका कहना यह है कि सरकार जब तक जो तानाशाही रवैया उसको अगर लेकर इस तरह अपनी मांग पर अड़ी रही तो और अगर अपनी मांगों को और किसानों की बातें नहीं मानती और महंगाई को कम नहीं करती है तो लगातार धरना प्रदर्शन और बढ़ेगा और उग्र भी होगा। और जो 4 तारीख को जिस तरह से जहीराबाद में धरना प्रदर्शन महापंचायत होने वाली है, उसमें भी हम गाँव गाँव जाकर अधिक से अधिक संयुक्त जिस तरह से बैठक होगी बाद में महापंचायत होगी जैन चौधरी के नेतृत्व में होगी, तो उसको लेकर भी उनका जो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के जो राष्ट्रीय उनका कहना यह है कि हम गांव गांव जाकर अधिक से अधिक किसान जहीराबाद में पहुंचेंगे और इस महापंचायत। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में अनिल जुड़े थे बुलंदशहर से, खबर दे रहे थे जहाँ पे किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार किसानों की जो धरना प्रदर्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है इनकी महंगाई को लेकर।